एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना हो या इक्विटी डिलीवरी या इक्विटी इंट्राडे करना हो, चाहे तो ETF में इन्वेस्ट करना हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना हो, किसी भी काम को करना हो, यानी कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना हो, उसके लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट यदि आप एक सिंपल और बेस्ट इंटरफेस वाला एप्लीकेशन ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं एंजल वन एप्लीकेशन, जिसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं मात्र 5 मिनट के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, उसमें अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है। आपके पास यदि आधार कार्ड है और आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, साथ में आपके पास पैन कार्ड है और किसी भी बैंक के अंदर आपका एक बैंक अकाउंट है, तो आप इतने डॉक्यूमेंट के साथ यानी पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ है वो आसन के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और नंबर लिंक होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। देखो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है, जिस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालकर इस बॉक्स पर टिक करके आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करने को आपको बोलेगा, उसके बाद में या तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर, और यदि आपको अकाउंट सजेस्ट करते हैं वेबसाइट पर ओपन करना तो भी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। यदि गूगल प्ले स्टोर पर आते हैं तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने की पहले जरूरत नहीं है, अकाउंट ओपन करने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए हम एंजल वन एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर आपको लॉगिन और साइनअप का बटन दिखता है। साइनअप आप पहली बार करेंगे और यहाँ पर अकाउंट बनने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे, अपने मोबाइल नंबर और OTP डालकर आप लॉगिन कर पाएंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर साइनअप के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप सीधे भी रिडायरेक्ट हो सकते हैं मोबाइल नंबर डालने वाले सेक्शन में, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको जैसे जैसे डिटेल पूछता है वैसे वैसे आप भरते जाना। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके आ जाना। सबसे पहले आधार लिंक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, रेफरल कोड जो मेरे आते हैं वो डाले रखना दोस्तों, तो रेफरल कोड है वो आपको जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डाले हुए आपको मिल जाएंगे तो वो पड़े रहने देना, देन आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको SMS लोकेशन और कॉन्टैक्ट की परमिशन देने के लिए ग्रांट परमिशन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले हम लोकेशन की परमिशन को वाइल यूजिंग दिस ऐप पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कॉन्टैक्ट की परमिशन को भी हम अलाउ कर सकते हैं, एप्लीकेशन सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन को अलाउ करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा एज एन SMS, तो यहाँ पर OTP आपको डाल देना है, देन आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। गूगल से कंटिन्यू करना है या फिर आप मैन्युअली भी आईडी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर यूज अदर ईमेल आईडी पर आप क्लिक करते हैं तो आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और पासवर्ड डाल देना है, लेकिन आप कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करते हैं तो आपके फोन में जितनी ईमेल आईडी होगी वो सारी खुल के आ जाएगी, उसमें से एक ईमेल आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए हम ये काम कर लेते हैं। उसके बाद में आपको अपने पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर देने हैं और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देने हैं। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में आप मेरी पहचान पोर्टल पर आ जाएंगे, यहाँ पर कई बार DigiLocker पर भी देते हैं तो ये सेम ही पोर्टल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अलग अलग पोर्टल है, सेम ही काम है इनका। तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के नंबर डाल देने हैं, जैसा कैप्चा यहाँ पर लिखा है वैसा कैप्चा डाल देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर फोनपे और गूगल पे से भी कर सकते हैं मात्र 1 रुपये का पेमेंट करके, जो कि रिकमेंडेड और फास्ट मेथड है। लेकिन आप इससे अकाउंट वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहते हैं तो एड बैंक डिटेल मैनुअली पर क्लिक कर सकते हैं, एड डिटेल मैनुअली पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने अकाउंट यानी बैंक अकाउंट नंबर डाल देने हैं, उसी बैंक अकाउंट नंबर को कंफर्म कर देना है, देन IFSC कोड डाल देना है आपके बैंक को, पासबुक पर भी आपको मिल जाएंगे और आपको ये सारी चीज़ें पता ही होगी, ऑनलाइन भी निकल जाता है IFSC कोड। यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है, तो हमारा अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो रहा है यहाँ पर और सक्सेस का मैसेज आता है, बैंक अकाउंट सक्सेसफुली लिंक यहाँ पर हो चुका है। हमारा काम यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा खत्म हो चुका है, अब हमारा काम है फोटो और सिग्नेचर का। तो नेक्स्ट करते ही आपको इस सर्कल के अंदर आपको फोटो है वो या सेल्फी टाइप आपको फोटो ऐसे डाल देनी है, यहाँ पर इस पर क्लिक करते ही फोटो आपकी क्लिक हो जाएगी, जो फोटो क्लिक होती है वो यहाँ पर आपको दिख जाती है, ठीक है। यदि आपको ये फोटो सही लगती है तो यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते ही सिग्नेचर वाला पेज खुल के आ जाता है, जिसमें आपको डिजिटली इस तरीके से सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसी तरह से आपको सिग्नेचर कर देना है। और उसके बाद में आई एम नॉट ए पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, आई एम एन इंडियन रेजिडेंट, इस पर आपको टिक रखना है, देन सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपने फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया, डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करा दिए, अब आपका काम बचता है सिंपल सी KYC करने का। उससे पहले आपको अपनी एनुअल इनकम डाल देनी, कोई भी सिलेक्ट कर देना, 1 से 5 लाख, 5 से 10 लाख जितने आपके एनुअली कमा लेते हैं आप वो सिलेक्ट कीजिए, इस पर टिक कीजिए, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आप अपने एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या बिजनेस है खुद का या फिर अदर काम है, तो आपका आप अदर वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मतलब क्या है कि व्हाट्सएप पर नोटिफाई करता रहेगा, तो इसे आप ऑन रख सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं।
उसके बाद में आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, इस नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको एडिशनल डिटेल के अंदर सबसे पहले फादर नेम देना है, आपका मेल फीमेल जो भी हो आप सेलेक्ट कीजिए, जेंडर, मैरिटल स्टेटस के अंदर आपका विवाह हो गया है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज अनमैरिड सेलेक्ट कीजिए, और डाइवोर्स है तो डाइवोर्स वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद में आपको नॉमिनी डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आता है कि आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, नॉमिनी जिसको बनाएंगे, यदि आपने कोई स्टॉक बाय कर रखे हैं और आगे चल के आपको कुछ हो जाता है तो वो स्टॉक बाय सेल कर सकता है आपका नॉमिनी, तो यहाँ पर ऐड नॉमिनी पर क्लिक करके उसका नाम डिटेल डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालकर आप नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप डू इट लेटर पर क्लिक कर सकते हैं, यानी कि आप बाद में डाल देंगे। तो यहाँ पर आपका काम पूरा खत्म हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको ई साइन करनी है एप्लीकेशन को, यानी ऑनलाइन आपको साइन करना है। प्रोसीड टू ई साइन पर आप क्लिक करेंगे, पूरी एप्लीकेशन का प्रीव्यू आपको दिख जाता है, इसे पूरा आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर डाल देना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है, इस बॉक्स पर टिक करना है, नेक्स्ट करना है, ओटीपी आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर भेजा जाएगा, उस ओटीपी को डालकर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है, बस हो गया आपका काम। अब 2 से 3 दिन के अंदर आपका एंजल वन अकाउंट एक्टिवेट भी कर दिया जाएगा, ठीक है, तो हो गया काम। तो कुछ इस तरीके से आप एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर घर बैठे मात्र 5 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी डेफिनेटली करें। जय हिंद।